मोनालिसा पेंटिंग एक ऐसी पेंटिंग है जिसे शायद ही कोई इंसान ना जानता हो, लेकिन आज से 100 110 साल पहले तक ये पेंटिंग इतनी फेमस नहीं थी। इस पेंटिंग को फेमस बनाया एक चोरी ने। दरअसल 1911 में लूव म्यूजियम पेरिस में एक इटालियन आदमी काम करता था जिसका नाम था विंसेंजो परूजिया। अब विंसेंजो को एक गलत फहमी हो गई कि नेपोलियन एरा में गलत तरीके से इस पेंटिंग को फ्रांस में लाया गया था, क्योंकि मोनालिसा को बनाया था लियोनार्डो डाविंची ने और डाविंची इटालियन था, तो उसका मानना यह था कि ये पेंटिंग इटली में बिलोंग करती है ना कि फ्रांस में। तो उसने उस पेंटिंग को बड़े ही आराम से चुरा लिया। अब ये जो विंसेंजो था ये 2 सालों तक उस पेंटिंग को लेकर इधर से उधर घूमता रहा इस उम्मीद में कि कोई ना कोई एक आर्ट डीलर उसे मिल जाएगा जो कि उस पेंटिंग को इटली में प्रिजर्व कर लेगा। से 2 साल बाद हालांकि एक इंसान मिलता है, लेकिन वो इंसान इटालियन गवर्नमेंट को बता देता है कि भाई ये बंदा ऐसे ऐसे पेंटिंग ले घूम रहा है, और इटालियन गवर्नमेंट उसको अरेस्ट कर लेती है। तो इस इंसिडेंट के बाद मोनालिसा पेंटिंग को बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है, जिसका नतीजा ये है कि आज की डेट में मोनालिसा पेंटिंग को देखने के लिए लाखों लोग आते हैं, उस पर हर साल काउंटलेस मीम्स बनती हैं।